हेलो एवरीबडी, वेलकम टू एमबीट ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां पर भी देख रहे होंगे। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबीट ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जब वहां पर जाएंगे तो आपको वीडियोज मिलेंगे क्वांट, DILR, वर्बल रीजनिंग, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, इंटरव्यू के लिए पजल्स, कंटेंट डेवलपमेंट सेशन और बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चन। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मेरे ख्याल में 270 से ज्यादा वीडियोस लाइव हो चुके हैं, तो जरूर उसका बेनिफिट अवेल कीजिएगा अगर आप इन स्टूडेंट्स में से कोई एक हैं। अगर आप एक एस्पायरेंट है जो इस साल आने वाले समय में कैट, IIM, ZAT, IFT, MAT, CMAT, NMAT, SNAP, इस तरह के अलग अलग इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब रिलेटेड एग्जाम्स की बैंक, SSC, रेलवे, कैंपस, FCAT का एग्जाम ये देने वाले हैं, GRE, GMAT देने वाले हैं, फाइन, तो जरूर आप चाहें तो बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आज की क्लास का हमारा एजेंडा जो है प्रोबेबिलिटी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने लिए। आज मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि बैंक, SSC, SNAP, NMAT, महाराष्ट्र CET, टेस्ट, इन एग्जाम्स के लिए GRE, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों क्वेश्चन है। हाँ, GRE लिखना मेरे से ही छूट गया एक्चुअली। GRE अगर आप देने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के तीनों क्वेश्चन, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ है? फॉर अ ड्रामा 3 स्टूडेंट्स ओके नीड टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 स्टूडेंट्स और इन 6 स्टूडेंट्स का नाम है ABCDEF। ए इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, ओके, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सी ऑल्सो? आपको ये सारे क्वेश्चंस की ब्यूटी तब समझ में आएगी जब आप वीडियो को पॉज करेंगे और बना के देखेंगे, तब आपको मजा आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सारे के सारे जेन्युइन एस्पायरेंट्स हैं, बिल्कुल वीडियो को आपने पॉज किया होगा और बना के देखा होगा। तो अब इसका डिस्कशन सुनिए। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ को हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल्स टू जो चाहिए बटे में सब कुछ, जो चाहिए बटा सब कुछ। ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता आया हूँ। आप यहाँ से शुरू कीजिए और जब भी आप प्रोबेबिलिटी का सवाल बना रहे हैं, आप यहाँ से शुरू कीजिए, इवेंट को डिफाइन कीजिए। अरे कितनों आसान कितनों डिफिकल्ट इवेंट हो, सब कुछ को लीजिए। अरे भाई सब कुछ कहीं तो पीस होगा ना, सबसेट होगा ना, जो चाहिए। अग्री करते नहीं करते? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सी? कब? जब ए ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी कि ई सेलेक्ट हो जाए कब? जब ए ऑलरेडी सेलेक्टेड है तब, ठीक है। जितना भी रॉ में डिफाइन करें चलेगा, लेकिन खुद को समझ में आएगा इससे। चलिए अब देखते हैं, जो चाहिए बटा सब कुछ। सबसे पहली बात, ए जो लड़का है ऑलरेडी सेलेक्टेड है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लोग आएंगे यहाँ पे, ये है ABCDEF। अग्री करते हैं भाई? ए इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। मैं यहाँ पे सर्कल करके इसको फिक्स करता हूँ, तो ए को यहाँ से हटा दिया मैंने। अग्री करते? चलिए, ए इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, कितने लोग बचते हैं हमारे पास? स्लॉट जो बचे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हमारे पास 5 लोग ये रहे। लेकिन हमको टीम कितने की बनानी है? हमको ड्रामा के लिए टीम बनानी है सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की। इसका मतलब जो हमारे ड्रामा की टीम है वो कुछ ऐसी होगी। ये आ गया ए और ये रहे 2 स्लॉट्स और इसमें 1, B, C, D, E या F, इन 5ों में से कोई भी 2, 5 लोग, ये रहे 5 लोग में से कोई भी 2 हमको सेलेक्ट करना है। अग्री करते हैं कि नहीं भाई? तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो अगर आप मुझसे शब्दशः पूछेंगे तो ये वाली चीज जो है सैंपल स्पेस है। सर यहाँ 5 क्या बता रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 लड़कों को बता रहा है। सर ये 2 क्या बता रहा है? जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, ठीक है भाई। अब आ जाइए, जो चाहिए, क्या चाहिए आपको? 1, 2, 3, जब ए सेलेक्ट हो तब सी भी सेलेक्ट होना चाहिए, दिस इज वॉट यू आर लुकिंग फॉर। तो बाकी यहाँ पे कौन कौन आ सकता है वो देख लीजिए, बी सी तो ऑलरेडी आ चुका है, डी ई एंड एफ, करेक्ट पॉइंट है भाई। अब आप देखिएगा, ये हो गया 4C1। सर तो टीम हमारी बन चुकी क्या? देखो अगर आप लिखने की ही बात करोगे तो लिखने का अगर चाहते तो आप ऐसे होता 1C1। सर ये क्या है? ये बता रहा है ए ऑलरेडी सेलेक्टेड को, ये 5C2 बता रहा है 5 लोगों में से इन 2 लोगों का सिलेक्शन। इसी तरह से 1C1 ये आ गया ए, 1C1 ये आ गया सी, अब बाकी लोगों का सिलेक्शन। मुझे भी पता है 1C1 की वैल्यू 1 होती है, मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या होगा ना, इसे समझ में अच्छा आता है, दैट इज ओनली रीजन। वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/10, सो आंसर इज 0.4। चेक करके देखें, आंसर है 0.5, बिल्कुल नहीं, 0.2, 0.3, ये रहा हमारा आंसर। क्या सीखने को मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट ई इज जो चाहिए बटा सब कुछ। कितना भी आसान कितना भी डिफिकल्ट हो, इसे पहले जरूर डिफाइन करो। ये हमने डिफाइन किया, जो चाहिए बटा सब कुछ, पहले सब कुछ को पकड़ो। सब कुछ क्या हो सकता है?
ये छह लोग थे, इन छह लोगों में तीन लोगों की टीम बनानी है, एक को सेलेक्ट होना ही है, वन सी वन पर्टिकुलर पर्सन हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए, ये हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए। बाकी पांच लोग इन दोनों सीट्स में से आ सकते हैं, तो पांच लोग 13-5 सी टू, इनमें से किसी दो को सेलेक्ट किया। अब उनमें से जो चाहिए क्या चाहिए, जब ए सेलेक्ट हो तो सी भी सेलेक्ट होना चाहिए, तो ए को फिक्स कर दिया, सी को फिक्स कर दिया, और बाकी यहाँ पे इन चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट हो गया। क्लियर है आपको? सेकंड वाले केस में, सेकंड वाला भी एक और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ 30 विजिटर्स टू एन आइसक्रीम शॉप हैव चॉकलेट आइसक्रीम्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू आउट ऑफ थ्री पीपल हु एंटर्ड द स्टोर ऑन सैटरडे एट 5 PM विल हैव चॉकलेट आइसक्रीम्स। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल दीज एग्जाम्स, एंड GRE ऐड कर लीजिए, GRE वाले बच्चे जो है बिल्कुल ऐड कर ही दीजिए भाई, GRE मेरी तरफ से डबल स्टार लगाएगा जो GRE वाले हैं वो लोग। क्या कहा मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू जो चाहिए बटा सब कुछ, ये मैंने आपको बताया, जो चाहिए बटा सब कुछ। जैसा कि मैंने आपको बोला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा और उसके बाद ही डिस्कशन सुनिएगा, तब आपको एक्चुअली मजा आएगा, ठीक है भाई। अब क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको बना के देखा होगा, अब इसका डिस्कशन सुनिए। देखिए 30% विजिटर्स जो भी आइसक्रीम शॉप में आ रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर में आ रहे हैं, 30% ऑफ द विजिटर्स टू एन आइसक्रीम शॉप हैव चॉकलेट आइसक्रीम्स, 30% लोग चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं, तो चॉकलेट आइसक्रीम खाने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.3। सो पीपल हु आर हैविंग चॉकलेट आइसक्रीम, मैं POC करके दिखा दिया, ये हो गए 0.3। अग्री करते हैं? तो ऐसे लोग जो चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं वो 1 माइनस जो लोग चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं, 1 माइनस 0.3 का मतलब 0.7, ये भी ठीक है। अब बोला गया है कि दो लोग खाने चाहिए चॉकलेट आइसक्रीम, तीन लोग आ रहे हैं उसमें से, और ये जो आपको बिल्कुल मतलब फंसाने के लिए जो पॉइंट दिया गया वो ये सब, अरे 5 बजे आ रहे, 6 बजे आ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तीन लोगों में से दो लोग चॉकलेट आइसक्रीम खाने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो जो लोग एंटर कर रहे हैं उसमें से दो लोग ऐसे होने चाहिए जो लोग खाएं चॉकलेट आइसक्रीम, और एक आदमी खाना चाहिए, एक आदमी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। तो चॉकलेट आइसक्रीम खाने की प्रोबेबिलिटी 0.3, चॉकलेट आइसक्रीम खाने की प्रोबेबिलिटी 0.3, और नहीं खाने की प्रोबेबिलिटी 0.7। लेकिन कुछ बचा हुआ है क्या? जरूरी तो नहीं है ना कि शुरू के दो लोग ही चॉकलेट आइसक्रीम खाएं, सर मतलब अरेंजमेंट भी तो आएगा भाई। ये कुछ ऐसा है, 1, 1, 2 को मिला के कितने 3-डिजिट नंबर बनेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल, 1 दो बार रिपीट कर गया इसलिए डिवाइड बाई 2, करेक्ट है ना? तो यहां पर भी हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो अल्टीमेटली दिस इज 3 × 3 × 3 = 9, ये हो गया 0.9 और ये हो गया 0.7, 9 × 7 हो गया 63, तो 3 × 663 मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 0.189, मतलब 0.9, तो 0.189 मतलब ऑलमोस्ट 0.19। चेक करें ऑप्शंस को, ऑप्शंस को चेक करेंगे तो 0.16 बिल्कुल नहीं, 0.15 बिल्कुल नहीं, 0.28 बिल्कुल नहीं, दिस इज द आंसर। सीखने वाला जो पॉइंट था वो क्या था, चॉकलेट आइसक्रीम खाने वालों की प्रोबेबिलिटी ये रही, तो नहीं खाने वालों की प्रोबेबिलिटी ये रही, तीन में से दो लोग चॉकलेट आइसक्रीम खाने चाहिए, बाकी ये तो सुपरफ्लस इन्फॉर्मेशन है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अरे शाम के 5 बजे एंटर करे, 6 बजे एंटर करे, दोपहर के 2 बजे, सब ऐसे ही लिखा गया आपको, सिर्फ इस वक्त पे जो एंटर किया उसमें तीन में से दो लोग चॉकलेट आइसक्रीम खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर 6 बजे एंटर किए होते तो। सीधा आइडिया है, तीन में से दो लोग चॉकलेट आइसक्रीम खाने चाहिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन सुनिए, ये तीन लोग जो एंटर किए उसमें से एक ही आदमी चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहिए, ये असाइनमेंट है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है, आपको मुझे ध्यान रखिएगा कि आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है क्या, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 out of 3 people who entered the store सैटरडे शाम के 5 बजे चॉकलेट आइसक्रीम खाने चाहिए, आपको ये बताना है, ठीक है भाई। एक सवाल और देख लें, वंस अगेन एक और बढ़िया सवाल, GRE भी ऐड कीजिए यहाँ पे, बढ़िया सवाल है। द नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे लिखा फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, बढ़िया है, सिंपल कर दिया इन्होंने। What are the chances दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 or 13, ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है, अगर मुझे राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बिल्कुल सेम मोडस ऑपरेंडी रखते हैं, वीडियो पॉज कीजिएगा और बना के देखिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज किया और बना के देखा। हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, ई इज जो चाहिए बटे में सब कुछ, जो चाहिए बटा सब कुछ, ठीक बात है भाई। क्या चाहिए आप ये ढूंढ रहे, प्रोबेबिलिटी 3 से डिविजिबल हो या फिर 13 से, ये कुछ ऐसा होता है ए और बी जैसा, मतलब ए यूनियन बी, इट इज़ एज गुड एज पी ऑफ ए,
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, इसको जरूर लिख के रखिएगा। अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाते हैं तो इसको जरूर नोट में लिख के रखिएगा, मैं बार बार पूछूंगा आपसे। उसी तरह से यहाँ पे पी ऑफ थ्री और 13, और का मतलब प्लस, और का मतलब यूनियन प्रोबेबिलिटी में, ठीक बात है भाई। तो दिस इज पी ऑफ थ्री प्लस पी ऑफ 13 माइनस पी ऑफ थ्री एंड 13, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 13। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे बोला गया, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सैम्पल स्पेस कितना आ गया, 30 C1, ठीक है 30 वैल्यू आई, लेकिन लिखने से सही रहता है। 3 से डिविजिबल कितने होंगे, 3 के मल्टीपल्स, 3, 6, 9, 12, 15, 18, करेक्ट है ना भाई, यही तो होंगे ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, कुल मिला के 10 नंबर्स। तो ये कितना आ जाएगा, 10C1। 13 से डिविजिबल कितने होंगे, 13 और 26, दो ही तो नंबर्स होंगे, तो हो गया 2C1। दोनों से कॉमन, तो दोनों के एलसीएम, लेकिन दोनों के एलसीएम तो 39 हो गया, वो तो रेंज के बाहर चला गया, तो ऐसा कोई केस यहाँ पे नहीं आ पाएगा। 10 प्लस 2 हो गया 12, सो दिस इज 12 डिवाइड बाई 30, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। ऑप्शन चेक करें, 7/30 नहीं, 11/30 नहीं, 4/5 नहीं, 2/5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, करेक्ट है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ सीखा होगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा फ्यूचर में सेट थ्योरी से, आपको बहुत मजा आएगा उसमें। अभी के लिए आप क्या कीजिएगा, आप मुझको कमेंट बॉक्स में जो बताएंगे इस रेंज को आप चेंज कीजिएगा फॉर द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। और आपको जो बताना है नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ध्यान रखिएगा, शुरू के 50 नेचुरल नंबर के लिए मल्टीपल ऑफ 2 और 3 सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक इस क्वेश्चन से, आज के सेशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा, इस डिस्कशन से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे चैनल में आपको क्वांट, DILR, वर्बल, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनवरी 2019 का मंथ, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एम्बिटर ऑफिस का नंबर दिया होगा, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के कैट के बैचेस, कैट जैट IFTE के बैचेस, इसके अलावा बैंक SSC रेलवे के बैचेस, क्लासरूम प्रोग्राम एज वेल एज लाइव ऑनलाइन क्लासेस दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस अभी 3rd February से भी स्टार्ट होंगी और 20th January से भी स्टार्ट होंगी। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे कॉल कर सकते हैं। जैसे इसके पहले तक के भी मुंबई, पुणे, बैंगलोर, तेलंगाना, यहाँ से बच्चे लॉग इन करते थे। ये जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो भिलाई से बाहर या छत्तीसगढ़ से बाहर रह रहे हैं और क्लास अटेंड करना चाहते हैं। तो आपको जो चाहिए वो डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो पहले भी जो बच्चे IT वगैरह में काम करते हैं, रात को 9 बजे होती है वो क्लास, तो ईयरफोन प्लग इन कर लेते थे, कम्यूट करते हुए रात की क्लास वो अटेंड कर लेते थे। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम को एनरोल करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।